औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में सरकार व प्रशासन की अनदेखी के चलते उफनती खड्ड ने एक स्कूली छात्र की जान ले ली। जानकारी के अनुसार युवक बीते कल से लापता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद महादेव खड्ड को पार करते समय ये पानी की चपेट में आ गया। आज सुबह धबोटा से थोड़ा सा आगे जाकर नदी में युवक का शव बरामद हुआ। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके पश्चात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र के शव को कब्जे में लेकर नालागढ़ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों का रो रो कर बेहाल है। आपको बता दें कि बारिश के कारण क्षेत्र की सभी नदियां नाले उफान पर हैं, जिस कारण नदी नालियों में बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं, जो दिखाई ना देने के चलते मौत का कारण बनते नजर आ रहे हैं। और जो रास्ते लोगों द्वारा गुजरने के लिए बनाए गए हैं, वे भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिसे पार करना खतरे से खाली नहीं है। और वहीं बारिश के कारण बीबीएन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं सबका प्रधान करणवीर ग्राम पंचायत दबोटे से मैं एक बयान ये करना चाहता कि साड़ी जिहड़ी नदी है, इस नदी में पहले भी बड़े हादसे होले। साढ़े रात भी जो हादसा होया, एक बच्चे की पानी से मौत हो गई। इधर देखा जाए ये जो पानी है बहुत गहरा हो गया। इधर दो पिंड का तीन पिंड का रास्ता जो है इको रास्ता है, रास्ता जो है इस इलाके रत्योड़ दुगरी पटेड़ा तो जट्टा पिंड जो लागे पिंड है, इन्होंने वास्ते स्कूल जो है दबोटा ही है। उन्होंने बच्चों दबोटे आने वास्ते रास्ता कोई नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है। जो रास्ता हूँ बरसात पैन से यह रास्ता जोड़ा नदी बहुत डाउन हो गई, इतने बहुत गहरा पानी है, 25 फुट गहरा पानी हो गया। उस गहरे पानी ना बच्चे की एक मौत हो गई। 3 साल पहले इतने साढ़े माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी उन्हें पुल का उद्घाटन किया, जोड़ा कि 6,35,00,000 रुपया इस पुल में मंजूर होया, पर अज तक यह पुल नहीं लग्या। प्रशासन से साड़ा ही अनुरोध है कि जल्द से जल्द ये जो पुल लग्या जाए ताकि साढ़े बच्चों आन जान की सुविधा होवे, आयदा के लिए अगे वास्ते हादसे जोड़े नहीं होगा। सारी सारी जनता की यही पुकार है कि यह जल्द से जल्द पुल जो है लग्या जाए। सो अभी प्रशासन को यह कहना चाहते कि जिन्ना जल्दी पुल लग जाए उन्ना ही साढ़े लोगों वास्ते बहुत अच्छी एक सुविधा जी है बन सकती है। इतने पहले भी हादसे बड़े हुए, कल भी यह हादसा जोड़ा एक बहुत भयानक हादसा होया। +2 का लड़का था यह, जिसका नाम बलविंदर सिंह था, जिसकी इतने पानी डुबण से मौत हो गई। महादेव खड्ड में एक युवक का शव बरामद हुआ है। जांच पर पाया गया है कि कल एक स्कूली छात्र स्कूल से वापस जाते समय महादेव खड्ड में बह गया था। खड पार करते समय और पानी के तेज बहाव के कारण वो पानी में बह गया था। मृतक की पहचान बलविंदर सिंह निवासी भक्तगढ़ जिला रोपड़ पंजाब के रूप में हुई है और आज इसके शव का पोस्टमार्टम करके इसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मेरी सभी नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला के निवासियों से अपील है कि अपने अपने बच्चों को बरसात में खड्डों से अकेले स्कूल इत्यादि न जाने दें। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।